हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भन्नट साइंस फेयर पर। मैं हूँ अजय। तो भन्नट का मतलब होता है कुछ अलग अद्भुत सा। तो है मेरा पहला एजुकेशनल चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज करंट रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज, यानी कि करंट रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स। ये समझना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि इसी पे सारा कंसेप्ट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। व्हाट इज करंट? करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। कंडक्टर यानी एक सब्सटेंस जिसमें बहुत सारे एटम्स इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो करंट मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करेंगे एक साथ, उसे हम करंट कहते हैं। तो अब देखते हैं दूसरी डेफिनेशन। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब एक यूनिट एरिया ले लीजिए, एक छोटा सा एरिया ले लीजिए कंडक्टर का, जिसमें से कुछ चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे कुछ सेकेंड्स में। यही ही दूसरी डेफिनेशन बताती है। और उसका ऐसा यूनिट है एम्पियर। एम्पियर में हम उसे नापते हैं, मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दो कंडक्टर है। एक में जब हमने बैटरी अप्लाई की है, तो जो नीचे वाला है जिसमें हमने बैटरी अप्लाई की है, जो ऊपर वाला है उसमें हमने बैटरी अप्लाई नहीं की है। जब हम बैटरी अप्लाई नहीं करते तब इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं। तो ये ऐसा मूव करेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर दूसरे भी रैंडमली मूव करेंगे। जो नेट इफेक्ट मिलता है हमें वो मिलता है जीरो, और इसीलिए करंट मिलता है जीरो। जब हम बैटरी अटैच करते हैं तब इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होने लगते हैं और हमें करंट मिलता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेजिस्टेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सुनने में जरा अजीब लगता है कि कंडक्टर ही क्यों इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करेगा। ओके, तो कंसेप्ट को डीप में पढ़ते हैं। तो क्यों होता है ऐसा? व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ कंडक्टर, दे कोलाइड विद अदर इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू दिस कोलिजन देर इज अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जरा सोचकर देखिए दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते तो सिर्फ वो अकेले ही फ्लो होते, बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी होते, आजू बाजू दूसरे एटम्स दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी रहते। जब वो फ्लो करते तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स एटम से कोलाइड करते, इसीलिए उन्हें अपोजिशन मिलता है। इसे हम रेजिस्टेंस ऐसा कहते हैं। और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है ओहम। अब देखते हैं दोस्तों वोल्टेज। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दिखाया है हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी। तो देखते हैं इसे सिंपली, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आप अब जरा सोचकर देखिए, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाएंगे? उन्हें कोई काम धंधा नहीं है? तो होता क्या है, अगर आपने वाटर टैंक का एग्जाम्पल देखा है तो ऊपर वाले में पानी ज्यादा है और नीचे वाले में कम है, तो इसीलिए ऊपर वाले से पानी नीचे वाले में जा रहा है। ठीक है, हम देखते हैं एग्जाम्पल। एक सिंपल बैटरी, इसका ही पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। टर्मिनल में होता क्या है, नेगेटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन कम रहते हैं, इसीलिए नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और हमें मिलता है करंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्यादा से कम, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और उसका ऐसा यूनिट है वोल्ट, जो हम दर्शाते हैं वी में। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स है दोस्तों। लिथियम आयन बैटरी, सिंपल अपनी घर में हम जो यूज करते हैं वो बैटरी। तो ये फाइनल जो डायग्राम जो आपकी कंसेप्ट पूरी क्लियर कर देगी इन तीनों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं वोल्टेज। वोल्टेज मतलब यहाँ पे पानी है, पानी को आप इलेक्ट्रॉन समझ सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ज्यादा से कम इलेक्ट्रॉन बहेंगे। ओके, अब देखते हैं करंट। पानी सेम है दोनों टंकियों में, तो करंट क्यों बहेगा और कितना बहेगा? यहाँ पे आप कंडक्टर देख सकते हैं। कंडक्टर मोटा है तो करंट ज्यादा बहेगा, कंडक्टर छोटा है तो कम बहेगा। अब देखते हैं रेजिस्टेंस। जब बीच में कोई इलेक्ट्रॉन्स वगैरह एटम्स नहीं है तो इजीली फ्लो हो जाएंगे, और
लेकिन जब बीच में कोई आ गया तो अपोजिशन हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे होता है, कैसे ये वर्क करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम। यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है, कंडक्टर है, और यहाँ पे लैंप है जिसे हम रेजिस्टेंस एज हम मान सकते हैं। तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, जब नेगेटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बहना शुरू करेंगे कम टर्मिनल में, मतलब पॉजिटिव के तरफ। तो ये कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं। ओके, तो बीच में ये लैंप जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को कन्वर्ट करेगा लाइट की एनर्जी में। ओके, तो ये सब कंसेप्ट पूरा। दोस्तों ये था मेरा पहला वीडियो। आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको और कौन कौन से वीडियो चाहिए वो कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। थैंक यू।